गो कार्ट मिल्क वाला। एक गांव में जतिन नाम का एक बड़ा गो कार्ट रेसर रहता था। जतिन ने देश विदेश में गो कार्ट रेस में भाग लेकर बहुत सारे ट्रॉफीज जीता। जतिन अपने गो कार्ट व्हीकल को रोज साफ करते हुए बहुत ध्यान से देखता रहता था। उस गांव में गोपाल कहकर एक दूध वाला रहता था। वो एकदम नादान था। गोपाल हर रोज उनके साइकिल से नीचे गिर जाता था, तब कैन में से दूध गिर जाते थे। तब गोपाल का पिताजी शिवराम, अरे वो एड़ा कहीं का, इतना उम्र आया फिर भी तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आ रहा है। तुमसे तो छोटे बच्चे बेहतर है ना, तुम्हारे वजह से हर रोज हमें कितना नुकसान हो रहा है पता है। इस साइकिल का बिल्कुल बैलेंस ही नहीं है डैडी, इसलिए नीचे गिर रहा हूँ। वही अगर तुम जतिन साहब के जैसे चार पहिए वाले साइकिल दिलाओगे तो एक बूंद का दूध गिरे बिना ले जा सकता हूँ पता है। क्या जतिन बाबू जो घूमता है वो साइकिल है और उसमें तुम दूध का केंद्र को ले जाना चाहते हो? तुम्हारे मिट्टी का दिमाग को यही समझ में आया है क्या? तुम इस जन्म में सुधरोगे नहीं, तुमको एक प्रणाम, कहकर प्रणाम किया। एक दिन गोपाल दूध देने के लिए जतिन के घर गया। तब जतिन न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तब गोपाल उनके पास जाकर, सर मेरा साइकिल टायर का पंक्चर हो गया है, अगर एक बार आपका साइकिल देंगे तो चार घरों में दूध डालकर आता हूँ सर, प्लीज सर, प्लीज सर। अरे तुम तो सिर्फ साइकिल ही पूछ रहे हो ना, लेके जाओ, उसके लिए इतना बार प्लीज क्यों कहना है? मैं तो वैसे ही उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, अगर चाहिए तो कितना भी दिन चाहिए तुम्हारे पास रखो, कहकर पेपर पढ़ने में पड़ गया। तब गोपाल खुशी से उसका दूध का केंद्र को उस गो कार्ट के पीछे लगाया, आगे भी एक कैन को लगाया, उसमें चढ़कर चलाते हुए गया। वो उस गो कार्ट में दूध का कैंस लेके जा रहा था तो लोग हैरान होकर देखने लगे। गोपाल वैसे ही घर घर में घूमकर दूध बेचने लगा। ये तो जतिन बाबू का गोकार्ट है ना, इसके ऊपर तुम दूध कैसे बेच रहे हो? जतिन बाबू इसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस्तेमाल करने के लिए दिए हैं। ये ऐसे इस्तेमाल होने के वजह से सर बहुत खुश हो गए हैं। मैं तो उन्हें फायदे में हिस्सा भी देने वाला हूँ पता है। ऐसा है क्या, उस जतिन बाबू का नसीब इतना खराब हो गया है क्या? उस शाम को जतिन का पिता, क्या रे तुम पागल हो गए हो क्या, गो कार्ट रेसिंग छोड़कर उसमें दूध का धंधा शुरू किया है कहकर गांव में सब लोग बोल रहे हैं, ये सच है क्या? ये आप क्या कह रहे हैं डैडी, मैं गो कार्ट में दूध क्यों बेचूंगा? वही है रे, उस गोपाल को तुम्हारे गाड़ी देकर दूध बेचने के लिए कहा था ना, और उसमें हिस्सा भी पूछा था। तब जतिन हैरान हो गया और उसे बात समझ में आया। तब जतिन तुरंत गोपाल के घर गया और गोपाल के पिता शिवराम से, कहाँ है आपका बेटा, गांव में मेरा इज्जत पूरा मिट्टी में मिला रहा है। आपने तो उसे गोकार्ट दिया है ना, उसमें शहर में दूध बेचने के लिए गया है। तब जतिन सर पकड़ लिया। गोपाल शहर में गोकार्ट रेस में हिस्सा लिया और दूध के कैंस में से एक दूध का बूंद भी बाहर आए बिना रेस करने लगा। और आखिर में रेस में जीत भी गया और ट्रॉफी भी पाया। ये बात टीवी में आया, ये देखकर जतिन हैरान हो गया। अगले दिन जतिन गोपाल से, अरे गोपाल तुम नादान हो या मुमकिन को नामुमकिन करने वाले हो ये पता नहीं चल रहा है, गो कार्ट में दूध का व्यापार करते हुए रेस में भी जीत सकते हैं कहकर दुनिया को बताने वाले एक ही इंसान हो तुम। मुझे अब ये गो कार्ट नहीं चाहिए, अब से इसे तुम कैसे चाहिए वैसे इस्तेमाल करो, मैं अब से फार्मूला 1 कार्स के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तब गोपाल बहुत खुश हो गया। तब से गोपाल उस गो कार्ट में गाँव गाँव में घूम कर दूध बेचने लगा और शहर में गोकार्ट रेस में शामिल होकर ट्रॉफीज भी जीतने लगा। पिता ये सब देखकर बहुत खुश हो गया।